आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो है कि सेइंग यस चैलेंज, सेइंग यस टू माय सिस्टर, है ना, सेब लग रहा है, ये आड़ू है। खास बंदे को दिखाना है, दादा को नहीं, किसको? मुझी भाई को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो है कि सेइंग यस चैलेंज, सेइंग यस टू माय सिस्टर फॉर 24 आवर्स। अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, तो यानी कल दिन 1:30 बजे तक मैंने अपनी बहन को से यस कहना है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कोई मुझे उल्टा सीधा काम ना बोल दे, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या क्या काम करवाने हैं, तो अब उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी हमने क्या करना है। इसके बाद मैं भी इसके साथ करूंगी इंशाल्लाह। इसके बाद मैंने इसके साथ व्लॉग एक बनाना ही बनाना है। जल गई, जल गई। ये जो फातिमा है ये भी रिमोट कंट्रोल ये कार चला रही है, और मेरमा पता नहीं क्या कर रही है। बाद में दिखाना ना, पहले अपना गैस चैलेंज तो शुरू कर लो। आप आ गई है और मेरमा जरा कितना मजा आने वाला है। मेरे सेब काट रही, इतना अंधेरा क्यों आ रहा है? आड़ू है तो मेरे सेब आता है। सॉरी सॉरी, मुझे दिखाओ जरा, वो ये आड़ू है। गाइस ये आपको भी सेब लग रहा है ना, है ना, है ना, सेब लग रहा है, ये आड़ू है। चलो जी खाओ आड़ू। ये बर्तन शर्तन धुल गए हैं, घर के काम शाम हो गए, बिस्तर शिस्तर सीधे हो गए हैं सारे तकरीबन। और फातिमा जी गाड़ी चला रही है जी। गाइस तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 24 आवर्स यस का चैलेंज, जो इकरा यस करेगी, हर बात पे यस करेगी। तो सबसे पहला यस है कि इकरा की ना मैं आपको दिखाती हूँ। अब तुम भी आ जाओ, खैर है खैर है। हमारे फ्रिज में ना कुछ भी गलत ना करना, ये केचप है, ये इकरा की बिल्कुल अनफेवरेट। नहीं अंशा, तुमने इसके 3 बाइट लेने हैं। तुमने ना 3 बेशक छोटी चम्मच से कर लो, क्योंकि अभी तो पहला है ना। तुमने इसके 3 बाइट लेने हैं। रुको, सोचो आगे जाके। और इसके बाद तुम पानी भी नहीं पियोगी। नहीं आशा, ये मत करना, पानी तो कसम से पीने पहले पियो। नहीं, वापस। नहीं पता, मुझे जुकाम इतना। चलो फिर ये सिर्फ ये 1 चम्मच तुमने पूरी। गाइस ये इसकी केचप इसलिए अनफेवरेट है क्योंकि ये केचप दूसरी खाती है, जो कि होती है कौन सी, नेशनल। तो ये वाली जो केचप है ना, ये थोड़ी ना मीठी मीठी है, ये मतलब ऐसे ना इसको इतनी पसंद नहीं है। हम तो इसके अंदर चाट मसाला डाल के खा लेते हैं, फिर भी लेकिन इसे पसंद ही नहीं है, तो आज ही खाएगी। चलो इधर आओ। मामा कितने खाने हैं? 1 ये चम्मच खाना। अल्लाह अकबर। 3 वो छोटी चम्मच थी ना, लेकिन ये वाली चम्मच ही खाएगी। अगर मुझे माउंटिंग आ तो अच्छा नहीं करो ये। फुल फुल करनी है। नहीं बस इतनी ना। हाँ ठीक है, बंद करो, खाओ। बंद करो यार, पहले इतना किस तरह से खानी है? खाते हैं किस तरह से, क्या मतलब है? आशा तो बोलूंगी पूरी एक ही बार में खाओ बस। अच्छा
माउंटिंग है, माफ कर दो भाई, माउंटिंग आ रही है। खाओ अच्छा, मुझसे नहीं खाई जाएगी, मैं कसम खा रही हूँ नहीं खाई जाएगी। अच्छा नहीं खा, इतने में हार मान लोगी? अच्छा आधी खा लो, आधी समझो नहीं खाई जाएगी मुझसे, कसम से समझो तुम्हारी माउंटिंग आ रही है ना, समझो तुम्हारी नहीं मेरे नहीं होगा, मैंने जबरदस्ती खिलानी है। अच्छा मैंने नहीं, आधी आधी अब तो आधी खा ली, क्या बात हुई? तीन चम्मच से एक चम्मच, एक चम्मच पानी भी नहीं पीने, पानी नहीं नहीं खा। ये क्या है, ऐसे कर रही है, चूरन चूस रही है। आड़ू खा रहे, चलो तीसरा हिस्सा, चलो तीसरा हिस्सा खा लो। अच्छा पानी ले लो, अब क्या है? अब पूरी पूरी मैंने इससे भी गंदा चैलेंज करना, याद रखना। गले में लग रही है जी गाइस, तो फर्स्ट चैलेंज हो गया है डन, और इतना 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 ज्यादा मजा आया ना, जो हर बात इतनी बड़ी बनती है, जिसके साथ चैलेंज हुआ इतने मजे का। तुम्हारा दूसरा चैलेंज स्टार्ट होने लगा है, क्या है? चले जी इसको बता देते हैं। तो दूसरा चैलेंज में है, तुमने ना सुन तो लो, तुमने दादा के कमरे में जाना है और उनसे जाके उनकी कमीज मांगनी है। हाय हाय, क्या करना है? कमीज मांगनी है उनकी, कहना है कि दादा मुझे आपकी कमीज चाहिए, मैंने पहननी है। क्यों? बस ये चैलेंज है। चलो तो क्या मैं क्या करूं, उठाओ चाहिए। नीला ब्राउन नीले बेटा पहनते नहीं, पहनते कोई नहीं, पापा की कमीज उठा के दे देंगे, पापा की बड़ी। आप लोगों ने दादा की मांग ली, चैलेंज किया है दादा की मांग, यानी यस क्या बोला? अब उनको बोलो कि हमें आपकी एलईडी चाहिए और हमने बैठक में लेके जानी है। क्या चीज चाहिए? आपकी एलईडी चाहिए, हमने बैठक में लेके जानी है। एलईडी मांगो, बोलो एलईडी चाहिए, हमने बैठक में लेके जानी है। खराब हो गया तुम्हारा, मांगो ना, मांगो पागल तो, मांगो दादाजी एलईडी चला के दो, बैठक ड्रामा देखो, ठीक है ठीक है, काफी है इतना ही, और गाइस इतना मजा आया इस बार, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। और अब जो हम करवाने वाले हैं इकरा से, इकरा कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। अब हम करेंगे इकरा का मेकअप।
करने पड़ती। अब तुम्हारा हम जो हमारा दिल करेगा वो मेकअप करेंगे। अब आ जाओ बेटा, आ जाओ जरा। हाँ, और अब जो होने वाला है ना वो तुम अभी तो तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो होने वाला है ना उसमें जो हमें मजा आना ना, ओए होए मजा आ जाएगा। तभी तो दिल करता है बंदा, तभी तो दिल करता है बंदा करे हाय हाय ओए। जो तुम्हारा आए हाय ओए होए होगा तुम फिर याद रखोगी। जो तुम्हारा आए हाय ओए होए होगा तुम फिर याद रखोगी। आ जाओ बच्चे आ जाओ। अच्छा जी गाइस, ये जो मेकअप है वो मैं बाहर ही ले आई हूँ क्योंकि अंदर गर्मी बहुत हो रही थी। वैसे तो फैन भी लगा सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, दिल ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का। और वैसे भी फिर उधर इतना मतलब अंदर थोड़ा अंधेरा है तो मेकअप नजर नहीं आना था, तो मेकअप बाहर ले आई हूँ और अब इसका मेकअप करूंगी। इतनी खुशी हो रही है। चल आ जा बैठे। अच्छा गाइज, अब होल्ड कैमरा महरमा होल्ड करेगी क्योंकि फिर मुझे मेकअप करना है इस वजह से। ठीक है, मुझे भी करना थी ना, मैंने भी इसको जरा डर लग गए थोड़ा, नहीं बहुत ज्यादा। जैसे कि आप सबको पता है कि मेकअप बेस से स्टार्ट होता है। ऐसा फिट मेकअप करूंगी ना कि ऐसा मेकअप तुमने खुद भी कभी नहीं किया होगा। ये देखें कैमरा, इधर मैं भागर हूँ, मैं तैयार हूँ और इसके साथ करूंगी ना इसका जो मेकअप गुजनी बनाऊंगी फिर ये याद रखेगी। ये क्या हो रहा है मेकअप? मेहरमा जरा कैमरा पास लाओ, मैडम का मेकअप हो रहा है। यार इका तुमने भी देखा नहीं है ना, आओ मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता मामा जी। ये शीशा इकरा अभी तो कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या है? तुमने ना ये मेकअप बहुत खास बंदे को दिखाना है। दादा को? नहीं, किसको? मुझी भाई को। हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय, मुझी भाई को वीडियो कॉल में दिखाना है। नहीं ना, नहीं दिखाना। कब दिखाओगी तुम वीडियो कॉल? इज्जत का सवाल है यार, क्या है? मुंह धो जाओ, मुंह धो लो बेटा। सही गैस क्या ना बेटा, मैं ना तुम्हारा जो मेकअप मैंने जो कुछ करना है ना मैं सबको पूरे खानदान को दिखाऊंगी बेटा। चलो बेटा, पहले खुद का चेहरा मुझे भाई का तो दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम। यार इतना तो नहीं डालना। अल्लाह तुसी मेरा मजाक उड़ाया है। अच्छा मुझी भाई की वीडियो बनाई है जो दिखाया मैंने अपना मुंह उसको? नहीं तो पागल, जिसके साथ चैलेंज था उसको भी दिखाना था ना। मैंने तुम्हारी बनाई है, उनकी नहीं बनाई। थोड़ी जी नाइस दूध डाला हुआ है हाला ने तुम्हारे लिए। आज तो बहुत गंदा मेकअप किया है, थोड़ा बहुत दिखाना है ना गाइस, आप देख लें।
अच्छा नहीं चैलेंज तो नहीं, चैलेंज से आई सी ना कि मैं इधर वीडियो बनाऊंगी। तस्वीर बनाई मैं याद रखो मैं कना की कना मैंने बुला बनाया अज मैंने पता ही नहीं तुम ऐ काम करोगे मेरे न सही है फिर यार सही है काम शाम करो फिर। अच्छा हाला किधर है? ओ फोन ही बंद कर दिया। चलो जी हो गया चैलेंज जी। गाइस इतना मजा आया कसम से गाइस, इतना रोने वाली हुई थी, रो ही नहीं है बस क्योंकि उसे था कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरा जो है ना मजाक ज्यादा उड़ जाएगा। जो हमारे कजन है वो ना जी भाई वो ना इस क्या नाम है इकरा को ना मतलब ये जो भी कजन वगैरह जो भी हो ना अली भाई मुझी भाई ये सारे ना इससे इनसे होता है कि मैं इनके सामने ऐसे बुला बन के आ जाऊंगी ना तो ये मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ेगा। तो हमने इसका वो ही अब तो सच्ची में दिल का रहे और इतना मजा आया ना, इतना ज्यादा मजा आया मैं बता नहीं सकती, इतना ज्यादा मजा आया। तो अभी हम जो इसके जो है ना एक्सप्रेशन और ये सारे ये हम अली भाई को भी भेजेंगे। गाइस ये देखिए मुंह बनाना शुरू कर दिया बाजी ने। इकरा आपको इंसर्ट तो नहीं फील हुआ? फील हुई होता हुआ नहीं होता? आपको इंसर्ट तो नहीं फील हुई? इंसर्ट नहीं इंसर्ट आप ऐसे करते हैं हाय हाय ओए होए तो मेरे हाथ से मेरे मुंह में थप्पड़ मरवा दिया। महरमा कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं खुश कर रही हूँ। लोग फ्रांस बैठे हैं और इसने उनको कॉल की है। मुझे भाई तो दिखाना है। इतनी खुशी हो रही है कसम से, इतनी ज्यादा मैं बता ही नहीं सकती। मैं कैसे बताऊँ इतनी ज्यादा खुशी हुई है आज। लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं अभी ये मेरे साथ क्या करेगी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा। लेकिन अभी ना जो खुशी के मजे लेने होते हैं ना वो आराम सुकून से लेने चाहिए, बाद में जो है वो देखी जाएगी जी। अब जो हम इस बाजी से करवाने वाले हैं, आपने अब तो आपने सुकून कर लिया ना, अब तो आपको करना पड़ेगा। आपने मेरे सुकून ही, आपने मेरी थक कर दी है। थक नहीं कर दी, अब जो आपने करना है ना वो भी बहुत मजे का। इकरा मुझे तो इमेजिन कर कि मैं जो जब तुमसे करवाऊंगी तो तुम लग कैसी रही होगी। क्या करवाना है अब? अब मेकअप करना। मेकअप तो कोई चीज ही नहीं थी हैं? तो अब सुनो रुके ने मेरा इधर बुरा हाल कर दिया और ये मुझे तुम्हें पता ना फातिमा की घोड़े वाली भी साइकिल है। क्या करें वो तुमने ना यहाँ सेन में जाके ना उस पे बैठना है और तुमने ऊंची आवाज में बोलना है, वो पोएम करनी है बेबी शार्क डू 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 और वो भी तुमने बच्चों की आवाज में करनी है। ये तो तुम्हारा डेयर है, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं साइकिल ले आऊंगी, तुमने करना है। तो ये है घोड़ा जिस पे इकरा बैठेगी यहाँ पर सेंटर में। और ये जो है ना इसकी फ्रेंड्स का घर है सामने, ये येलो वाला, और ये पीछे भी, और ये भी, और ये इसका घर है। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बैठ के हाँ बैठो। ओए बहना ने बैठना है, डेयर करवाएंगे ना उससे, फिर सारे इसका मजाक उड़ाएंगे। फातिमा से हमने घोड़ा फ्री करवा लिया है और अभी क्रैश पे बैठेगी। जैसे कि आपको बताया था ये है पहली दोस्त का घर, ये दूसरी दोस्त का घर, और रुको ये पहली दोस्त का घर है, ये दूसरी दोस्त का घर है, और ये इकरा है, और ये घोड़ा चलाने लगी है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। हाय 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 पार्टी होगी। अच्छा ये जो ये घोड़ा गाड़ी और सारा जो कुछ करवा रहे हैं ना मुझसे, अम्मी इनमें पूरी पूरी शामिल है। अभी जब मेरे साथ जोश नहीं, अभी जब मेरे साथ होगा तो तुम तभी तो अम्मी तुम्हारा साथ देंगी। ये सही कह, मैं पापा को भी दादा को भी साथ दूंगी, मैं सबको साथ दूंगा। क्या करना है? उल्टा बैठना है इस पे।
कैसे बैठो? उल्टी बैठो, सीधे भी नहीं बैठा जाता, ये देखो ना। नहीं उल्टे बैठो, उल्टी बैठो, उल्टी बैठने। मुझे भी बिठाओ यार, शर्म आ रही है। हाय हाय, बैठो बैठो, ये मुझे भी बिठाओ। पोएम पोएम पोएम, बच्चा बन के, बच्चा बन के, बच्चा बन के पोएम, बच्चा बन के पोएम। अच्छा ये सही कर दी कि मैं ऐसे लगने से जैसे तुम आगे होगी ना, ये खिसकेगी और तुम थक। पोएम बच्चा बन के पोएम। अब सीधी बैठो इस पे, सीधी बैठो, सीधी बैठो, सीधी बैठो ना अब। और अब पोएम इस पे बैठ के करनी है, बेबी शार्क डू 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 डू। हाय हाय होय होय, हाय हाय, बच्चा बन के चलो। चलाने भी है साथ? नहीं बस, हाँ थोड़ा थोड़ा हिलो ना, और नहीं चलानी है, चलानी थोड़ा थोड़ा हिलाओ। बतो बती बतो बती बतो बती बेबी ऊंचा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कैसे पागल है, आवाज नहीं आ रही। बेबी चलो बेबी अच्छा भागी रही हो तो मुझे तुमने कर लेना, मारूंगी मैं, गिर जाऊंगी। चलो करो करो, करो 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 ना नहीं ना करो, सामने ही करने कैमरे। इतनी इतनी बुरी लग रही है, इतनी बुरी लग रही। मामी शक जी गाइस, इस वाले जो अभी जो हुआ डेयर, इसमें इतना 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 ज्यादा मजा आया, मैं मतलब हर एक डेयर इतने मजे का, इकरा को इमेजिन कर गई कि इकरा कैसे करेगी, और इतनी पहले तो सोच सोच के बंदा पागल हो रहा है, पर जब इसे करवाओ तो और ज्यादा मजा आता है। तो अब जो हम डेयर करवाने वाले हैं इकरा बाजी से, वो है तुमने ना इकरा बाजी अभी तुमने पता क्या करना है, तुमने ना अभी जाना है बाहर सीन में, तुमने ऊंची आवाज में बोलना है कि मैं इकरा कमल से भी ज्यादा अच्छी व्लॉगर हूँ। ये क्या करवा रही हो, लोगों ने मजाक बना दे ना यहाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छी व्लॉगर है, इतनी जबरदस्त, और मैं भी महंगी जाके कहूंगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे सारे। बहन ऐसा तो हो भी नहीं सकता, मैं से कैसे करूँ, इतनी वो इतनी फेमस व्लॉगर, इतना पावर, इतने टाइम से काम करी, इतना जबरदस्त, और मैं ये जाके बोलूं जी मैं इतनी अच्छी व्लॉगर, पागल हो गई, हार मानी। नहीं मैं ये तो नहीं कर सकती गाइस, आज जो कुछ इसने कराया मैंने सारे सारे सारी इसकी बातें मानी है, पर मैं यहाँ से अपडेट कर रही हूँ, ठीक है मैं नहीं कर सकती, मैंने हार मान ली है, पर मैं एक बात जरूर कर पाई आज अपना कैमरा ले, अब मैं आपको सरप्राइज दूँ। क्या, अरे क्या इकरा, ये क्या हुआ बेटा, तुमने आज बहुत अजीब सी बात कर दी, तुमने क्या हुआ लिए, क्या इकरा बोलने लगी हो यार, ये सच में इकरा कमल को ऐसे बोल देगी इकरा, क्या मतलब मुझे, मैंने क्विट किया, मैं हार गई, मतलब तुम वो नहीं बोलोगी, नहीं बोल, तो फिर क्या, इकरा कमल इज द बेस्ट व्लॉगर, आई लाइक हर वेरी मच एंड आई लव हर वेरी मच। यार ये
पासा पलट गया है? पासा पलट गया यार, ये सुन के तो मेरा भी दिल कर रहा है। मैं तो तुम्हें विनर कह ही देती हूँ, अब तुम जीत गई भाई। तुम बहुत तेज हो, कसम से तुमने जान बुझ के ये बोला ही क्योंकि तुम्हें पता था ये मुझे यहाँ पे विन कर देगी यार। हाँ, कर दी है। हाँ यस, मैं तो जीत गई। हाय हाय होय होय यार, ये तो बहुत तेज हो। तो देखो मैं विन तो होगी, मैंने एक अच्छी बात की है तो मेरी जीत तो बनती थी। अब गाइस इसी से चैलेंज होगा। अब जो सेइंग गेस, जो से गेस आयशा के, मैं भी एंड में बोलूंगी क्रागो विल द बेस्ट ब्लॉगर। फातिमा आप किसका साथ दोगे? इकरा का। आया मजा आया। मैं आयशा का। मैं बताती दोनों को वोट दे जाए। चले जी, अब जो आज का व्लॉग था वो बहुत बहुत ज्यादा मजे का था। इकरा से हमने बहुत कुछ करवाया, लेकिन एंड पे जो इसने कर दिया वो फिर मैं इसको मैं कह ही नहीं सकती थी कि तुम हार गई हो, क्योंकि इसने इतनी अच्छी चीज बोल दी है। तो अब इकरा इस व्लॉग में, इस चैलेंज में जीत चुकी है। तो चले जी, इस व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस पर कॉमेंट करें और बताएं कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।